हमीरपुर न्यूज इज ब्रॉट यू बाय स्टार कमर्शियल कॉलेज हमीरपुर, एक ऐसा संस्थान जहां स्टेनोग्राफी और शॉर्ट हैंड हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में सिखाई जा रही है। वर्ष 1974 से संचालित इस कॉलेज में अब तक हजारों अभ्यर्थी ट्रेनिंग लेकर सरकारी व गैर सरकारी संस्थानों में नौकरी कर रहे हैं। यही नहीं, यहां से निकले स्टूडेंट्स सरकारी विभागों में स्टेनोग्राफर और स्टेनोटाइपिस्ट के पद पर भी सेवाएं दे रहे हैं। इनमें से कई ऐसे भी हैं जो क्लास 1 और क्लास 2 की पोस्ट से रिटायर हुए हैं। अगर आप भी बेरोजगार हैं और नौकरी की तलाश में हैं, तो चले आइए स्टार कमर्शियल कॉलेज हमीरपुर और ट्रेनिंग लेकर अपने भविष्य को दें नई उड़ान। हमीरपुर में मंगलवार को पूर्व सैनिकों का सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें पूर्व सैनिकों, वीर नारियों व उनके आश्रितों की समस्याओं व मांगों पर चर्चा की गई। इसमें सैनिक कल्याण विभाग के निदेशक ब्रिगेडियर एस के वर्मा सहित ECHS पॉलिक्लिनिक हमीरपुर के ऑफिसर इंचार्ज कर्नल कृष्ण चंद ने पूर्व सैनिकों को विभिन्न जानकारियां दी। चेयरमैन पूर्व सैनिक लीग ब्रिगेडियर दिलीप चंद ने कहा कि वन रैंक वन पेंशन समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। केंद्र सरकार ने पूर्व सैनिकों से किए वादे पूरे नहीं किए। इसके साथ ही उन्होंने सैनिक भर्ती का कोटा जनसंख्या के आधार पर नहीं बल्कि योग्यता व जरूरत के हिसाब से चार गुना करने की मांग की है। हम चाहते हैं कि जो भी हम समस्या स्टेट गवर्नमेंट को तो लेकर दें, वो कह रहे हैं हम अकेडमी खोलेंगे। अकेडमी जो है पेपर में तो दे दिया, लेकिन ये नाम के लिए है, ये वोट बैंक बनाने की तरीका है और कुछ नहीं होना है। तो हम चाहते हैं कि जो वैकेंसीज हैं, भर्ती की वैकेंसीज, हमारे हिमाचल को पॉपुलेशन के लिहाज से नहीं बल्कि हमारे क्वालिफिकेशन और एप्टीट्यूड लोगों का जो होना चाहते हैं उस लिहाज से दी जाए। कम से कम जो प्रेजेंट वैकेंसी दे रहे हैं उससे चार गुना वैकेंसीज आएंगी, तब हमारी बेरोजगारी जो है थोड़ी सी कम होगी, नहीं तो ये बेरोजगारी कम नहीं हो सकती है। एक और पॉइंट जो मेरा आज का अनुभव है, हमारे लोग पता नहीं अपनी किस्मत के ऊपर ही ज़्यादा विश्वास करते हैं कि हमें जो मिल गया बहुत अच्छा, या दूसरों को मिलेगा हमें भी मिल जाएगा। वो खुद संघर्ष नहीं करना चाहते हैं, खुद कष्ट नहीं करना चाहते हैं और खुद उसमें मतलब शामिल नहीं होना चाहते हैं, जिसकी वजह से भी हम लोग पिछड़े रह जाते हैं। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए हमीरपुर से सुरेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट।